जैसे हिंदुस्तान के लोग डरते हैं महंगाई, करप्शन और स्कैम से, वैसे यूरोप के लोगों में खौफ की वजह है माफिया डॉन ओजो। बचपन से ही ओजो पर पैसे कमाने का पागलपन सवार था। लंदन स्टॉक मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग करके कसिनो के धंधे में उतरा और यूरोप का नंबर वन कसिनो किंग बन गया। ऐसा कोई काला धंधा नहीं जो ओजो सफाई से ना करता हो। बस इतने साल यूरोप रहकर भी अंग्रेजी सफाई से नहीं बोल पाया। यूरोप में रहकर भी हिंदुस्तान उसके दिल में बसता है, पर ओजो के भाई कृष्ण ने वेस्टर्न कल्चर में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह है ओजो की दबंग माँ मीठी माई, जो अपने बेटे की आरती उतार कर उसे क्राइम के अखाड़े में भेजती है। सर, यही है वो आदमी जिसने हमारा गेम प्लान पता करके 1,00,000 यूरो लूटा है। लूटा नहीं है, जीता है मैंने। ओजो के सामने बिग आवाज में टॉकिंग, तो ओजो उसका आवाज पैकिंग। मेरा कसिनो में पीपल मनी हारने के लिए आता है, हमको बेकर बनाने के लिए नहीं। मेरे आदमी ने टंकी जिप खोल के टिप दी होगी, उसका नाम टेल और सर पे लगा तेल। बता दूंगा तो मुझे छोड़ देंगे ना? यह प्रॉमिस है ओजो का। आपके ट्रांसलेटर ने? अरे गूगली ट्रांसलेटर, तुझसे इंग्लिश ट्यूशन लेके कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तुझे कॉल सेंटर से मैंने पुलिंग, लेकिन माय राइट हैंड इज अभी तक टाइट इन इंग्लिश। मेरा ट्रांसलेटर होके तुमने मेरा ही गेम प्लान किसी और को ट्रांसलेट कर दिया ना? लेट जा, मुझे लेट हो रहा है। ओए चंकी। हाँ तो? हिंदी में सिर्फ ओनली 36 लेटर्स, फिर भी हम हिंदी लैंग्वेज एक्सपर्ट स्पीकर, पर इंग्लिश में ओनली सिर्फ 26 लेटर्स, फिर क्यों नहीं बनूंगा इंग्लिश स्पीकिंग मास्टर? जल्दी कोई इंग्लिश टीचर का मैनेजमेंट करो। ओके भाई। आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे छोड़ देंगे। माय नेम इज ओजो, तोड़ देता हूँ प्रॉमिस, करता हूँ मैं जोजो। मैंने माँ से प्रॉमिसिंग की, दूसरों को प्रॉमिस करके ब्रेकिंग। अब माँ का प्रॉमिस ब्रेकिंग तो उसका हार्ट ब्रेकिंग। बूम जूम धड़म। किसकी मौत बेल बजा रही है? सलीम ने अगेन चकमा दिया। वो तो हमेशा देता है सर। सॉरी, जो सच है वो तो सच है। ये वायरस एशिया के माफिया में शार्प शूटर बन के इन हुआ और सबको नॉकआउट करके बन गया बड़ा गैंगस्टर, एशिया का किंग। हाँ, सलीम 24 घंटे में मर जाएगा। लोगों से बार बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इसकी बुलेट कभी भी मिस्टेक नहीं करती। माफिया की बुक में इसका कोई यूजर नेम नहीं, क्योंकि ये हर डील अलग अलग नाम से करता है, बट पूरी माफिया की अंडरवर्ल्ड दुनिया में ये सलीम नाम से फेमस है। गन के साथ फन मेरा शौक नहीं पेशा है। सलीम, सारे अय्याश पीपल बैंकॉक कमिंग, इसलिए कैसीनोज ओपनिंग के सर्कल में मैं बैंकॉक के लैंड में लैंड होने वाला था। सर, 10 मिनट में प्लेन बैंकॉक लैंड हो जाएगा। जब मेरा प्लेन वहां लैंड होगा तो ओजो की एंट्री से पूरे अंडरवर्ल्ड को पेन होगा। बी अलर्ट, ओजोज फ्लाइट विल बी लैंडिंग शॉर्टली। Hey, who are you? पूछ के गलती किया तू? देखो, तूने सवाल एक पूछा, अपुन ने बंदूक से दो लोगों को टपका कर दो जवाब दिए। क्या मांगता है तुम्हें? अपुन के एरिया में अपुन की परमिशन के बिना ओजो तो क्या कोई भी धंधा नहीं कर सकता। उसे बोल हवा में ही प्लेन घुमा ले। मैं तन मन और भरी गन से अपनी गैंग चलाता हूँ। दुश्मन सामने होता है तो उंगली चलती है, खोपड़ी नहीं। मेरे खौफ से डर भी कांपता है।
There's something on the runway. We can't land. Sir, हम अभी लैंड नहीं कर सकते. रनवे पर कुछ प्रॉब्लम है. तो प्लेन को हाईवे पे लैंड करो. वैसे प्रॉब्लम का नाम क्या है? सर, उसका नाम सलीम है. पूरा एयरपोर्ट उसके कंट्रोल में है. सलीम, भले एयरपोर्ट उसके कंट्रोल में है, लेकिन ओजो आउट ऑफ कंट्रोल है. जब गीदड़ की डेथ कमिंग तो वो शहर की तरफ रनिंग, मगर ये तो रनिंग रनिंग मौत के सामने कमिंग. कैप्टन सर, फ्लाइट को लैंड करो. यस सर. आ रहा हूं गीदड़. माँ का दूध पिया तो? हाँ. किसकी माँ? किसकी माँ? We can't proceed further. क्या हुआ? ओजो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता. अबे चील कव्वे भी मेरी इजाजत के बिना बैंकॉक नहीं उतर सकते. ओजो तेरी डेरिंग को कांग्रेचुलेशन, लेकिन तेरा ऑर्डर हमेशा रिजेक्ट. अबे तब तुझे बैंकॉक तो क्या, एशिया के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दूंगा. तेरी ये बचकानी डेरिंग देखकर मुझे अपने चाइल्डहुड के डेज रिमेम्बर, इसलिए इस बार तुझे फॉरगिव. अगली बार आया तो गीदड़ की मौत मरेगा. ए टंग संभाल के, ओजो का डायलॉग उसी को रिटर्न. जब नेक्स्ट टाइम इधर लैंड करूंगा तो तेरी डेड बॉडी पर करूंगा ओजो स्टाइल. अवान दे, डू और डाई पुराना स्टाइल है. डू इट नाउ बट डोंट डाई. ये है सलीम भाई का स्टाइल. ये सलीम की चिलम बना के पी जाऊंगा बिना स्मोक के. वहां ओजो सलीम के खून का प्यासा था. सलीम माफिया की दुनिया में तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, मगर एक हसीना ने ब्रेक लगा दिया. फर्स्ट टाइम आंखों की गहराई मैक्सिको के शूट आउट इन समंदर में दिखी. दूसरी बार दुबई के कार चेस के वक्त रास्ता पार करते करते सलीम के दिल के आर पार हो गई. हे, वहाँ चलते हैं. और तीसरी बार बैंकॉक के ड्यूटी फ्री शॉप में, जिसके बाद सलीम अपनी सारी ड्यूटीज भूल गया. एक्सक्यूज मी, ये मार्केट में नया है? यस मैम. क्या मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकती हूँ? श्योर मैम. गुड मॉर्निंग डुप्लीकेट, हाउ आर यू? डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखूंगी. पप्पू, लगता है आप उनको बार बार मिलाने में ऊपर वाले की मिली भगत है. पहली बार मिला तो लगा कि एक्सीडेंट है, दूसरी बार मिला तो लगा कोइंसिडेंस है, तीसरी बार मिला तो लगता है कि अपुन के लिए यही लड़की एकदम परमानेंट है. क्रेडिट कार्ड? या श्योर. ओह, आई हैव टू गो. एक्सक्यूज मी. जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, जैसे बिना चिंगारी आग नहीं जल सकती, जैसे बिना भंवरे के कली नहीं खिल सकती, वैसे ही प्यार की ताली एक हाथ से नहीं बच सकती. और प्यार की इसी कव्वाली को गुनगुनाने मैं उसके पीछे इंडिया जा पहुंचा. दीदी, इंडिया में आपका स्वागत है. इंडिया के बारे में कुछ बताइए. संध्या, इंडिया के बारे में और क्या बताऊं तुम्हें. इसीलिए सभी सिंगर्स आजकल नाक से गाने लगे हैं. तो अभी भी कौन सी देर हुई है, कोई अच्छा सिंगर ढूंढ लीजिए. बीच में क्यों बैठा है हरामखोर? हटता है, घुसाओ. अबे लुक्को, अबे तो सिर्फ गाड़ी के पुर्जे ही उखाड़े हैं. अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारे भी स्पेयर पार्ट्स उखाड़ के रख दूंगा. सटका मत, सटक ले. आखिर तू है कौन? 6 feet height, body मेरे tight, दुश्मनों की कटे काइट, जब करूं मैं fight, top to bottom introduction. मैं कहां से आया हूं? मैं कौन हूं? क्या मैं डॉन हूं?
तू क्या यहाँ अपन का इंटरव्यू लेने आया है? बिना नाम जाने नहीं पीटेगा? तू साले मुझे पीटेगा? अबे रुक! ये लुक्खा बिना अपना नाम बताए अपन को काटने चला था, अब तू मुझे इसका नाम बता। ए! भाई को छोड़ दे वरना बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। अबे कहाँ से ये जंग वाली तलवार उठा कर लाया है, इससे तो लौ की भी नहीं कटेगी। तू आधार कार्ड ऑफिसर है? नहीं नहीं भाई। साले लड़कियों की इज्जत करना सीख। ये बारूद है तोप सिंह का बेटा, हम तो लड़की को उठाने आए थे आपको नहीं। अब लाइन पे आया मगर देर से, इसकी इतनी धुलाई की फिर बताया क्यों? पहले नहीं बता सकता था? पहले कैसे बताते, इसने हमारी 3 महीने की सैलरी नहीं दी थी, हमने सोचा आप हमारी सैलरी जितनी इसकी धुलाई कर ले। अब चलता हूँ, सुसु आइए। Thank you. I love you. क्या? दिल क्या बोल दिया? गुंडों की वजह से लोचा हो गया, लैन तो एयरपोर्ट पर बोलने का था। baby, baby, तुम्हारी जीरो साइज कमर, जानलेवा फिगर, गुलाबी होंठ, शराबी आंखें, दिल में कैसे झांके? अपन मजाक कर रहा था, नाम क्या है? संध्या। किस देना संध्या? baby, baby, क्या? अरे ट्राई तो कर, पहले मेरी एक किस लेके देख, अगर मीठी ना हो तो वापस कर देना। चल प्यार का श्री गणेश कर। ये मेरे अंकल हैं। हाँ, इकलौता अंकल। मेरी बेटी 14 साल बाद इंडिया वापस आई है, किसी की नजर ना लगे। इन दोनों में से एक उंगली पकड़। वो क्यों? भूल गई क्या मॉम? अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे अरे देखो कौन आ गया, अरे संध्या बेटी आ गई। अरे अरे कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। कितनी पतली हो गई हो, खाना नहीं मिलता था? मुझे पहचाना कि नहीं? अच्छा बेटा, हवाई जहाज में आते आते कोई झटके वटके तो नहीं लगे ना? बाकी अंकल, वो हवा में चलता है, जमीन पे नहीं कि झटके लगे। दो क्लास गए होते तो पता होता। थैंक यू। सुनिए जी, संध्या विदेश जाकर अपनी देसी माँ को भूल गयी। क्यों, क्या हुआ? बचपन की तरह उंगली पकड़ने को कहा तो मना कर दिया। शकुंतला, लोग कर्जा लेकर भूल जाते हैं, एहसान भूल जाते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? 6 साल की उम्र में विदेश गई थी, 14 साल बाद लौटी है, इतनी छोटी छोटी बातें कैसे याद रखेगी? उदास मत हो। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है कि आदत से मजबूर हूँ। संध्या बेटी को तोप सिंह के डर से हम लोग विदेश ले गए थे, लगा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। लेकिन आप तो उसे कल लाने वाले थे, फिर आज कैसे? अरे मैं नहीं, बल्कि वो मुझे लेकर आई है। वो आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, मगर हमले से वो सरप्राइज हो गई। अच्छा हुआ उस लड़के ने हमें अपनी जान पर खेल कर बचा लिया। किस लड़के ने? मैं और कौन? No fear when I'm here. मैं सबको बचाता हूँ dear. ये किसी को क्या बचाएगा, खुद तो रात को भी काला चश्मा लगाता है। चल हवा आने दे। पीछे फैन है क्या? नमस्ते अंकल। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? मुन्ना। हम इस राम बहादुर को छोड़ेंगे नहीं। संध्या बेटी पर तोप सिंह ने हमला किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आप खाली हुक्म दीजिए हमें। शांत हो जाइए, खून खराबे में कुछ नहीं रखा। मेरे परिवार के लिए जो आपका प्यार है वो ही काफी है। सब ठीक हो जाएगा, घर जाइए। नमस्ते। बाऊजी, लोगों का गुस्सा, आपकी बेटी पर हमला, लोग जिस तोप सिंह को मारने की बात कर रहे हैं वो कौन है? तोप सिंह मेरा दूर का रिश्तेदार है। अरे काहे का रिश्ता, कैसा रिश्ता? उसकी बदकिस्मती मैं लाने वाला हूँ, उसका हाल बेहाल करने वाला हूँ मैं। शुरू से ही हमारे परिवार ने गाँव वालों का सुख दुख में साथ दिया है, इसलिए सब हमारी इज्जत करते हैं। उस राम प्रसाद को मैं अपने हाथों से दफन कर दूंगा। तोप सिंह अपने मन में नफरत के बीज बो रहा था, वहीं उसका भाई प्यार करने लगा था, वो भी मेरी बहन से। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि मेरा ही खून मेरे ही दुश्मन के पास
अपने प्यार की भीख मांगने चला गया। मैंने भी सारी बातें भुलाकर दो प्यार करने वालों की झोली भरने का फैसला किया और दोनों की शादी करवा ली। और मैं भी उस्ताद था, बहुत बड़ा नाटक किया, उसे अपने घर की बहू तो बना दिया लेकिन पहले ही दिन उन दोनों का राम नाम सत्य कर दिया। इससे गांव के लोग भड़क उठे। पंचायत ने दूल्हा दुल्हन की हत्या करने के लिए तोप सिंह का हुक्का पानी बंद कर दिया और उसे गांव से निकाल दिया। जिस गांव के लोग हमें सलाम ठोकते थे वही गांव वाले एक दिन हम पर थूकने लगे। हमारे करोड़ों की जायदाद जब्त कर ली गई। राम प्रसाद की वजह से हम खाना बदोशी की जिंदगी जी रहे हैं। हम ना घर के रहे ना घाट के। लिख लो, उसके परिवार में उन्हें कांदा देने के लिए कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे प्रवचन सुन सुन के थक गई हूं, कब आएगा वो दिन? ज्योतिष, अपनी कोड़ियां फेंक कर बता कि आगे क्या होने वाला है। कोड़ी कोड़ी कर दे मेरे छाती चौड़ी। मुझे मरने से क्या होगा? उधर देखो, नीला पीला किसने कर दिया? मामा चला गया। अबे नाक कटा के आया है, कान क्यों छोड़ा? उसे भी साथ में कटा लेता, अच्छा होता कि तुम मर के आया होता। जी चाहता है कि तुझे यहीं पर दफन कर दूं। अगर दुनिया में रहना है तो कोमा में रहने का नाटक करना पड़ेगा। तू है तुझ पर, एक मौका मिला वो भी गवा दिया। तेरी जगह मैं होता तो उस लड़की को जिंदा जाने नहीं देता, उसके टुकड़े करके प्रताप सिंह को भिजवा देता। चुप रे, तूने अपने खानदान का नाम मिटा दिया। मिल गया, मिल गया। क्या मिला? आपका नाम मिट्टी में मिल गया था। बस बहुत हो गया, अब मुझे उसके पूरे खानदान को शमशान घाट पहुंचाना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। मौत का तांडव होगा। अच्छा, तुम्हारा गांव कौन सा है? हुलिये से तो सड़क छाप लगता है। मेरे से कुछ बख्शीश देके यहाँ से रफा दफा कर दीजिए। ओके मेरी संधू, तुम मुझे यहाँ से भगाने की तैयारी कर रही हो मगर मैं तुम्हारे दिल में ही रहने आया हूँ, वो भी बिना डिपॉजिट और रेंट के। हेल्प मी गॉड। वैसे रहते कहाँ हो मुन्ना? जहाँ रात वहीं बिछाई खाट। मैं अनाथ हूँ ना बाबूजी। ऐसा नहीं कहते, काम क्या करते हो? दिन में स्टेशन पर जूते पॉलिश करता हूँ और शाम को नुक्कड़ पर केले का ठेला लगाता हूँ। चूरन दे रहा है। आदमी नाम से बड़ा नहीं, अपने काम से बड़ा होता है। इम्प्रेसिंग। दो नंबर की काली कमाई से भली इज्जत की एक वक्त की रोटी। एक वक्त तो भिखारी लोग खाते हैं। ऐसा नहीं कहते, कभी कम तो कभी ज्यादा। ऐसा परिवार मिले तो बांट लूंगा रोटी और प्याज आधा आधा। माँ, ये रुलाएगा। चुप हो जा, नाक बहने लगेगी। अच्छा बेटा, अब आगे क्या सोचा है तुमने? फिलहाल तो जिंदगी अच्छी कट रही है, कोई तकलीफ नहीं। अरे तो शादी कर लो। दिल की बात छीन ली, लेकिन बीवी के खर्चे उठाने के लिए हरी पत्ती चाहिए, और जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती छोकरी कहाँ से मिलेगी? दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए पहली की तलाश में जा रहा हूँ। चलता हूँ बाबूजी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रास्ते में कितने कुत्ते काट लिया तू? कल करे सो आज, आज करे सो अभी। जब तक चप्पल नहीं घिसूंगा खुद के पैरों पर खड़ा कैसे हो पाऊंगा? तो जाऊँ? ठीक है, कटो। लग गई। एक मिनट, तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी की जरूरत है हमें। सच में? किस मुंह से शुक्रिया कहूँ? नौकरी दी है तो आपके आशीर्वाद से छोकरी भी मिल ही जाएगी। यू? आज से आपकी सारी प्रॉब्लम मेरी, प्रातः से लेके संध्या तक। लुक्का कहीं का। अरे ज्ञानी, जरा इसके रहने का इंतजाम कर दो। ऑलरेडी डन। चलो भैया। फिर भैया, जब देखो राह चलते को भैया बना लेती हो। अच्छा हुआ ऐसे सैयानी बना लिया तुमने। तुम्हारी ये भैया भैया कहने की आदत से मुझे डर लगता है कहीं मुझे भैया ना बना लो। इसे यूरोप क्यों ना ले चले? वैसे भी डैड अब रिटायरमेंट की उम्र में है, कम से कम डैड की जगह साफ सफाई ये करेगा, बर्तन माजेगा और कपड़े भी धोएगा, क्योंकि डैड से कपड़े साफ नहीं होते। बेटा, अगर तू मेरा सगा बेटा नहीं होता तो मैं तुम्हें धो डालता। अरे ये ताले जैसा मुंह क्यों लटका है? ये अंतर्यामी है, सब जानता है। तुम्हारी छिछोरी हरकतों का इसने MMS बना लिया। करेक्ट बोला। कंटिन्यू।
जेम्स बॉन्ड हूँ मैं। आप अंतर्यामी हैं? मेरी आंखों में कैमरा लगा है, तूने दो मिस्टेक किया है। दो मिस्टेक? मैंने क्या किया? पहली तूने आंख मारी और दूसरी उसको बुरी नजर से देखा। ये अपन की खानदानी आदत है, एक ही बार में डबल गलती। मैं डबल मल्टीपल टैलेंटेड हूँ। डबल चौवल का हिसाब बाद में देखेंगे, इसकी सीधी सी बात का सीधा जवाब दो। बात में दम है। ए, 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 काम छोड़ो, इतना डिस्कशन फोर्थ अंपायर भी नहीं करते। नौकर को इतना भाव मत दो, कल सैलरी बढ़ाने के लिए कहेगा। बढ़ाओगे क्या तुम लोग? नौकर को मैं मुंह क्यों लगाऊं? इसका भाव ये क्यों बढ़ाएगा? जाओ तुम लोग जाकर अंदर प्याज काटो, मैं देखता हूँ। अरे चलो अंदर, जल्दी चलो। तू कहाँ चल दिया बिना पूछे? पहले जरा मेरे लेवल में आ। आज तेरा नाम क्या है? खन्ना? गन्ना? क्या? मुन्ना। हाँ मुन्ना, मुझे मत लगा चुनना। सुन, इस घर में बादशाह भले ही रामप्रसाद जी हैं, मगर वजीर मैं हूँ। अगर उनको पटाना है तो मस्का मुझे लगाना होगा, वो भी ऊपर से लेके नीचे। करना क्या होगा? इस घर में 3 doors हैं, 3, 2, 1। तुम इन 3 doors के बाहर रहोगे। 3 महीने के बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अगर फेल हो गए तो मैं बिना एड्रेस के तुम्हें कोरियर कर दूंगा। और कुछ जानना है? समझ गया। वैसे मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ 2 चीजें और बाहर भेजूंगा। और वो क्या है? 1 लोटा और 1 प्लेट। जब तुम्हें भूख लगे तो लोटा लेकर भीख मांग लेना, और जब किसी घर से अच्छा पकवान मिले तो थोड़ा मेरे लिए भी प्लेट में ले आना। आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं, अत्याचार कब तक चलेगा? 3 months only, मतलब कि 90 days। समझ गया चूना भट्टी। पहला सवाल, कहाँ बैठोगे? वो लास्ट डोर के आउटडोर में। सही जवाब। आज से मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला। चल निकाल ट्यूशन फी। ये 2.5 किलो का हाथ पड़ गया तो मेरी हाइट कम हो जाएगी। निकल। 3 महीने तो दूर, 3 घंटे में इंडोर गेम खेलूंगा। नौकर के भेष में हीरो, आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। वाह, ये कौन? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, आपका नाम है? उधर धरती के बोझ। एक्सक्यूज मी, ऑटोग्राफ देंगी? अंगूठा चलेगा? हाँ, आप है ना, मुझे मिस वर्ल्ड लगती है। मिस वर्ल्ड नहीं, मैं शीला हूँ, हम तो मिल चुके हैं। तभी आपके चेहरे की दीवार पर मेकअप का प्राइमर नहीं लगा था ना? वैसे मैं बिना मेकअप के भी अच्छी लगती हूँ, पर तुम नाखून क्यों खा रहे हो? सुबह का खाना तो नसीब वालों को मिलता है ना। ये क्या कह रहे हो, अंदर चल के खाना खा लो। मुझे अंदर से तड़ी पार किया है। किस उल्लू के पट्टे ने? जी वो 2x3, अंधा चश्मा, डेढ़ शाने, सीना ताने, जानती हैं आप उन्हें? अच्छा वो बुड्ढा, उस उल्लू को कोई काम नहीं है इसलिए दूसरों के घर झांकता है। उस कमीने की इतनी इज्जत? वो कमीना मेरा पति है। पति? वो एंटिक नमूना आपको कहाँ से मिला? हमारी कुंडली नहीं मिल रही थी पर हाइट मिल गई। अल्लाह, कुंडली मिला के शादी तो सुना था, मगर हाइट मिला के शादी तो पहली बार सुन रहा हूँ। अंदर चलो भैया। पहले आप दीपिका दीदी। कहाँ गई थी दीदी? क्या झकास लग रही हो, कहाँ से आ रही हो दीदी? मंदिर से। ये लोफर आपके साथ क्या कर रहा है? ये लोफर नहीं, इसका नाम मुन्ना है। ये बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का है। कहो तो शराफत दिखाओ। लड़ाई मत करो, दोनों नाश्ता करने आ जाओ। क्या दिख रहा है बे? चिकनी छोकरी, चांडाल चौकड़ी, नैनों का वार, दो धारी तलवार। वो जहीला साहब क्या फुसफुसा गया? इतना नहीं पता क्या? वो आँखों से तुम्हारा नाप ले गया। चंडाल चौकड़ी मतलब 4, दो धारी तलवार मतलब 2। ये कहाँ का नाप है? दिल तक पहुँचने के ब्रिज का। कहाँ का ब्रिज? चंडाल चौकड़ी, 2 धारी तलवार। चंडाल चौकड़ी, 2 धारी तलवार। चलो यार, मेरी चाल। अरे तुम्हारी चाल आ गई, चलो। और कोई काम धंधा ही नहीं है हमको, फूलों की माला बनाना। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। मुन्ना, हुकुम चाचू। इस गेंडे के पास कितने जोकर है, जरा देख कर मुझे बता। बेईमानी में मेरी मदद कर। वैसे जोकर इनके पास नहीं होगा, ये खुद जोकर है। जोकर के पास जोकर? आप भी इनके पत्तों में झांक लीजिए, ताका झांके में तो आप माहिर हैं। पत्ते बड़े अच्छे। अपने गेम पर ध्यान दो, वरना मुझे मारेगा तू। आपसे अच्छे पत्ते तो इनके पास हैं। कितना कमीशन मिला? अरे बड़े चाचा जी, आपकी बाजी तो हो चुकी है। ये कैसे हो गया? है? अरे वाह, लगता है तू माँ के पेट से पत्ते सीख के आया है। जीत गया, मैं जीत गया। लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ पैसे। हो गया तो खाना खाने चलो। जाइए जाइए, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं यही इंतजार करता हूँ। अरे उल्लू की दुम, खाना तैयार है, तू भी आ जा। मगर घर के अंदर मेरी एंट्री बंद है। किसने बंद किया? वही लंबाई कम, सफेद शर्ट, काला चश्मा। वो सफेद शर्ट पहले तो रसगुल्ले जैसा गोरा था, पर अब धूप में जलकर गुलाब जामुन से भी काला हो गया। तू आ जा बिंदास, कहीं वो जान गए तो मेरी जान ले लेंगे। चार चांद लग गए, ऊपर से एक तारा जुड़ गया। अब क्या नापा इसने? सुपर सुपर डुपर सुपर से बहुत ऊपर।
इडियट। एक मिनट, कानपुर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? फिर कुछ नापा? वो आगे नो हो, पीछे फुल टू स्कोप। पीछे का नाप है, वो नापने में बाप है। चार चांद पर एक तारा, चार चांद पर एक तारा। मम्मी, शाही पनीर लोगे भैया? मैं तेल का तला नहीं खाता। तो दम आलू दूं? उससे पेट का दम निकल जाता है। तो उबली हुई भिंडी? मंगलवार को भिंडी नहीं खाता। अरे तो थप्पड़ खा के पानी पी लो, बीमारी दूर हो जाएगी। मुझे कोई बीमारी नहीं चाचू, आजकल मेंटेन कर रहा हूँ। अरे इस उम्र में मेंटेन करेगा तो बुढ़ापे में लालटेन हो जाएगा तू। हालो, हालो यार। तो आज से वेजिटेरियन बन, सिर्फ नॉन वेज। वॉचमैन, यू हियर व्हाई सिटिंग? चल। अबे तू कौन है इसे रोकने वाला है? अरे तुम सब कोरस में क्यों टॉकिंग? रुकिए, इन पे मत बरसिए, शायद मेरी किस्मत में फैमिली का प्यार नहीं लिखा है। आपका प्यार बाकी है, मैं औकात भूल गया, माफ कर दे। घर के बाहर मिलो मुझे। ये लो खाना। ले ईट। ये नहीं तुम लो। विकेट तुम्हारा गिरा है। 2x3। 3 महीने तो दूर की बात है, 3 घंटे भी नहीं लगे मुझे अंदर आने में। अब बाहर जाने की तेरी बारी। आपकी आज्ञा हो तो चिकन चमेली चबा लूं? मैं तो रोज खाता हूँ, आज ये टेस्ट करता हूँ। या थैंक यू। लपेट लपेट लेना। हाँ लपेट मतलब? ए, वो लपेट क्यों बोल कर गया? क्या दीदी, कभी पतंग नहीं उड़ाए तुमने? अरे प्लीज बताना। ओके बताता हूँ, ऐसे किया था ना, ऐसे किया था ना उसने। मुन्ना पेट को लपेट गया। लपेट लपेट। क्या लेने आए हो? मैं पहले टेलर था, कहो तो साइज बता दूं? कोई जरूरत नहीं। हे माय चिकन करी, डोंट बी इन अ हरी। तुम्हारी कमर जैसे रोटी रुमाली, तुम्हारी आंखें जैसे हीरा गुलाबी, तुम्हारा बदन रस मलाई, मेरे दिल के कारखाने में तुमने अरे क्यों चलाई। अगर तुम हरी झंडी दो तो मैं तुम्हारी आंखों के टॉप फ्लोर से उतर कर तुम्हारे बेसमेंट में अपनी झंडी गाड़ सकता हूँ। भड़की भड़की भड़की, मेरे होने वाली बच्चों की अम्मा, दे दे मुझे चुम्मा। इतना हवा में मत उड़ो, तुमने मेरी जान बचाई बस इसीलिए मैं चुप थी, वरना तुम जैसे छिछोरों का दिल मैं रोज अपनी जूती से मसल देती हूँ, समझा? ब्यूटीफुल लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, प्यार के समंदर में तैरना चाहती हैं, लेकिन जुकाम होने से डरती हैं। कटर में गया तेरा प्यार, चल भाग यहाँ से। जानू, इस घर में आया हूँ बनके मैं मेहमान, अंदर बुला ले, जगा ले सोए अरमान। ओहो, पता नहीं इस उल्लू के पट्टे को मुझे और कितने दिन झेलना पड़ेगा। हाँ राम प्रसाद, एक बहुत अच्छा लड़का देखा है मैंने अपनी बेटी संध्या के लिए। भाई तुमने ढूंढा है तो कोई हीरा ही होगा। हीरा नहीं बल्कि ये समझो कोहिनूर है, इसीलिए तो मैंने तुझे फोन किया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो कब आ रहे हैं वो संध्या बेटी को देखने? कब क्या, वो तो आज ही आ रहे हैं, पर मैं नहीं आ सकता, सीएम के साथ मेरी मीटिंग है। तो कैंसिल करके आ जाओ। कैंसिल करके? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये कौन है? Who's this? मुन्ना भाई। हाँ बोल। संध्या को लड़के वाला दिखने आए। Good news. क्या? फोन पर संध्या दिन रात अपने होने वाले पति से बात करती है। एक बात बताओ, अपने पतियों को भाव नहीं देना चाहिए वरना उन्हें चर्बी चढ़ जाती है। अच्छा माँ, तेरा इन दोनों में से कोई एक पकड़ो। अरे संध्या की माँ, तेरा मेरा तौलिया लाना। अब मैं अभी आई बेटा। तुम्हारी माँ की कसम, I'm the right choice. डैडी को बुलाती हूँ। बुला के देखो। मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला के देखो। याक। कली ब्रश किया था। अच्छा ये बता, ये साड़ी पहनकर, इतने गहने पहनकर, कमर मटका कर कहाँ जा रही है? वहीं से ससुराल जाएगी। हाँ तो तेरे पापा क्या जाता है? बेबी डॉल, मेरे दिल में सिम कार्ड डाल के रोमिंग पर उसके साथ जाओगी तो प्रॉब्लम तो होगी ना। क्या कर लेगा तू? उसकी वजह से अपने प्यार को मत दे सजा, मेरे साथ अपना घर बसा। तू पतली गली से निकल जा। संध्या। हाँ? यहाँ आई माँ। अगर सारे काम हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा छोटा बेटा रोहन है और हम दोनों मिलकर बैंकॉक में ही बिजनेस करते हैं।
स्वादिका खून पे नहीं अंगराई यंडी तोंदरा। रोहन बेटा तुम्हें हमारी संध्या पसंद है? हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन आपकी बेटी को हमारा बेटा पसंद है या नहीं ये जानना है। संध्या बेटी कैसा लगा रोहन? तू हाँ बोल दे नहीं तो मैं उसे लेकर भाग जाऊंगी। ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। हाँ बोलेगी तो चोटी काट दूंगा। दर्जी हो क्या? दर्जी नहीं मेरी मर्जी। क्या बोलता? डैडी मुझे मंजूर है। शादी की तैयारी कीजिए, हम दुल्हन को बैंकॉक ले जाएंगे। आपसे एक निवेदन है, हम थोड़ा सा वक्त इसके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दुश्मनी की वजह से हमने इसे विदेश भेज दिया था। अब 14 साल बाद घर आई है, परिवार में कौन क्या है इसे पता ही नहीं है। ये चाचा को भैया बुलाती है, एक बार नानी को इसने भाभी कह दिया था, खुशी के मारे वो कोमा में चली गई। ये सब जरूरी रिश्ते समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए ना। हम चाहते हैं कि शादी के बाद वो हमसे ज्यादा दूर ना जाए। बचपन में ही ये हमसे इतनी दूर चली गई कि हम इसे देखने को तरस गए। अब शादी के बाद इसे बैंकॉक भेजकर हम इसे दोबारा नहीं खोना चाहते। मैं चाहूंगा कि आप इस पर सोच विचार करें। संध्या इस पूरे परिवार की लाडली बच्ची है। वैसे मुझे आप पर दबाव डालने का कोई हक नहीं, बस विनती कर सकता हूँ। आज के दौर में इतनी ईमानदारी से आपने अपने दिल की बात कह दी, इतनी हिम्मत कोई नहीं करता। जहाँ इतने लोग हों आशीर्वाद देने के लिए, उनका हक मैं कैसे छीन सकता हूँ। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है समझे जी। अब और इंतजार नहीं होता डार्लिंग, कब तक तुमसे दूर रहूं। जानू शादी के बाद ये लोग मुझे यहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें शादी से पहले कुछ भी करके एंट्री मारनी ही होगी। संध्या विश इन एडवांस अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। इस अनाथ को रिश्तों की अहमियत नहीं मालूम थी। मैं रिश्तों से बेखबर था, जिस तरफ हवा का रुख होता मैं बस उसी तरफ मुड़ जाता। परिवार और अपनापन क्या होता है वो मुझे यहाँ आकर पता चला। तुम्हें पाने के जुनून को ही मैंने अपना सच्चा प्यार समझ लिया, इसीलिए तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक चला आया। लेकिन यहाँ आकर मुझे परिवार की अहमियत मालूम हुई, इसलिए मैं बाबूजी का दिल नहीं दुखा सकता, उनके सपने नहीं तोड़ सकता। शायद प्यार को परिवार की जरूरत ना हो, पर परिवार को प्यार की जरूरत होती है। इसीलिए तुम्हारी यादों को अपने दिल में बसाकर मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। जाने से पहले नाचिस की एक डिमांड है। और वो क्या है? मैं अभी सिंगल हूँ, प्लस जवान भी। तुम्हें मेरे लिए सेम टू सेम अपने जैसी ही एक कर्वी जूसी और सेक्सी लड़की ढूंढनी होगी, जिसके लेग्स हॉट हो, जिसे देखकर मैं अंगड़ाई लेते लेते सपनों की दुनिया में खो जाऊं और बिस्तर पर सो जाऊं, जिसके बोल से मेरा रोम रोम थिरक उठे। मेरी कसम लो ढूंढोगी? नो। मैं तुम्हारा राज जान चुका हूँ। वहाँ फोन पे जिससे बात कर रही थी वो तुम्हारा भैया है या सैया? नहीं बताओगी? मैं चला सबको बता। अरे नहीं रुको तो। ए, रुक जाओ, तुम लोगों में से कितनी बदबू आ रही है, जाओ जाके नहाओ। ठीक है, नहा के आता हूँ। अरे नीचे फेंक इसको। कोमा में आने का एक और फायदा है, नहाने से भी बच गया मैं। पकौड़ी बता, हलवा मिलेगा कि पकौड़ी? अरे जल्दी बताना, मुझे बहुत भूख लगी है। सारे कोरियों को नींद आ गई है क्या? इसका क्या मतलब हुआ? किस्मत सोने वाली है, पर किसकी ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, अभी अभी एक SMS आया है, एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें से कोई निकल नहीं सकता। चूहा भी नहीं। किसी को तुम पे शक तो नहीं हुआ? अब तो उसके घर वाले मुझ पर अंधा विश्वास करने लगे हैं। मैं उनके घर का सदस्य बन गया हूँ, लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। मैं अकेला ही काफी हूं, तुम तो बम हो मेरी जान, मुझे तो बस गन चाहिए।
नमस्ते समधी जी। नमस्ते समधी जी, हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो वर वधु को अकेले ही मंदिर की परिक्रमा करने भेजा जाता है। सुनिए जजमान, वर वधु की प्रदक्षिणा पूरी हो जाए उसके बाद पूजा करते हैं। पहले किसी लड़की के साथ आपका अफेयर था क्या? एक्चुअली कॉलेज में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिससे मैं प्यार करता था, पर बाद में पता चला कि उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और फिर मैं अकेला रह गया। और फिर बाद में संध्या डैड, पता नहीं संध्या कहाँ गायब हो गई। क्या कह रहे हैं? कितना टाइम लगा दिया, जल्दी नहीं आ सकते थे। डरो मत, कौन लाया तुम्हें यहाँ? तोप सिंह के आदमी मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे यहाँ लाए थे, अब पता नहीं कहाँ है। बैठ जाओ। कहाँ ले जा रहे हो? बैठ जाओ। उतरो। बाहर निकल तोप सिंह। ये रही राम प्रसाद की बेटी, तू इसे ही ढूंढ रहा था ना, ले जा। तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु दोनों आ गई है, वो देखो। यही लड़की तो चाहिए थी। यही लड़की मुझे भी चाहिए। निकल लो यहाँ से, नहीं तो कुमा में नहीं इनवर्टेड कुमा में चले जाओगे। कौन से खेत की मूली है तू? लुखे, शायद तू इस नाचिस की तारीफ नहीं जानता है। खाट पे जिसकी वाट लगी है उससे पूछ, वो तुझे सारी कहानी डिटेल में समझा देगा। तुम्हारी वजह से मेरा भाई कोमा में चला गया, पर अब मैं तुझे कोमा में भेज दूंगा। लोग तो जरा सी बाढ़ से डर जाते हैं, मगर अपुन ने तो सुनामी में तैरना सीखा है। बचपन से मौत की सुनामी अकेले पार करता आया हूँ, समझा थकेले? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही इलाके में आके मुझ पे भौंक रहा है, तेरा तो वो हाल करूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। ऊंची आवाज में बात करके गले को तकलीफ मत दे। संध्या, इससे डरने की जरूरत नहीं, जाओ गधे के गले से शेर का दांत ले आओ। अगर किसी भी लुखे ने लड़की को रोका तो उसकी कब्र यहीं बनेगी। कोई बीच में आया तो उसकी पसलियों पर हारमोनियम बजाऊंगा। संध्या आगे बढ़ो, देखता हूं किसमें कितना दम है। थैंक्स मुन्ना, तुम में बहुत हिम्मत है, ये शेर का दांत एक शेर के लिए। अब क्या हुआ? पहले तो बहुत लंबे लंबे छोड़ रहे थे, सबके सामने तुम्हारी इज्जत दो कड़ी की हो गई। थू, इज्जत लुटवाने का प्लान था क्या? ये तो मेरे चक्रव्यूह का अभी आगाज है। कितनी फिकर हो रही थी। तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरी बेटी को ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की इज्जत को जान पर खेलकर बचा लिया। यह तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी बहादुरी से मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे रहते मेरी संध्या को कोई खतरा नहीं है। आज से तुम इस घर के नौकर नहीं हो, अनाथ भी नहीं हो, तुम इस परिवार के हो और ये परिवार तुम्हारा है।
अरे संध्या छोड़ो मुझे, मेरी कलाई मुड़ जाएगी। छोड़ो, अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मर जावा, दुल्हन की तरह शर्मा क्यों रहा है? अपनी ये दिखावे की दुकान बंद कर और जल्दी से मुझे चुम्मी दे दे, जल्दी जल्दी। चिपको मत। ए रुकना राजा, ये तगड़ा बदन, ये तड़पती जवानी छोड़कर कहाँ जा रहा है? लूट ले। जबरदस्ती गले मत पड़ो। तो फिर क्या पड़ू? थप्पड़ खाना है? थप्पड़ से डर नहीं लगता, चुम्मी ना मिलने से लगता है। मैं तो फिल्म का डायलॉग मार रही थी और तुमने बिना सोचे समझे मुझे ही थप्पड़ मारा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, मुझे चुम्मी दो। ए, नो। अभी एक चुम्मी दे दो, रोमांटिक ऑफर चल रहा है, वरना ब्याज के साथ तीन देनी पड़ेंगी। तीन चुम्मियाँ? हाँ, एक चुम्मी होगी तुम्हारे माथे पर दोस्ती की निशानी, दूसरी होगी तुम्हारे दिल पर हमारे प्यार की निशानी, और तीसरी होगी तुम्हारे होठों पर जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अगर यहाँ अकेले में नहीं दी तो सबके सामने ले लूंगी। हलवा? हलवा नहीं, मेरा जलवा है। देखो मेरी बात। अब सोचना ये है कि इस शुभ काम में मेरी मदद कौन कर सकता है। खुजली है क्या? अब उन डिस्को बाकी सब लोग खिसको। आर यू मिस्टर राम प्रसाद? अरे तुमने कैसे पहचान लिया? बॉडी की लचक से पहचाना। लचक से? हाँ, इनके चेहरे पर इनकी बॉडी की लचक झलक रही है। इनके हर अंदाज से पता चल रहा है कि इनको ब्रेक डांस बहुत पसंद है। सही बोला ना? आपकी तारीफ। माय नेम इज डिस्को डिप्लोमा इन स्नेक डांस मास्टर इन अजगर डांस। खुजली है क्या? इसकी खुजली मिटाओ। मिटाती हूँ। आप डांस सीखना चाहते हैं क्या? मैं नहीं, इन सबको सीखना है। हम सबको? ये क्या कह रहे हो? सबके अंदर से डांस का भूत निकाल दो। ओके, भूत चुड़ैल सब निकाल दूंगा। वैसे तुमने डांस किस किस को सिखाया है? रोजी एक्सप्लेन प्लीज। चींटी से लेकर हाथी तक, यहाँ तक कि सांप और बिच्छू को भी नचाया है। सांप बिच्छू छोड़, हमें क्या करना है बोल। जंबो साइज, भारी पर्सनालिटी बढ़ू, इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। जितने भी गेंडे और सांड को मैंने नचाया है उसका मैंने साइज जीरो कर दिया। मालिश करवानी पड़ेगी। जोड़ों का दर्द हो या हड्डी का दर्द, चाहे पुराना हो या नया, मैं डांस से उसका इलाज करता हूँ। हड्डी स्पेशलिस्ट हो जो पहचान लिया। हाल तो लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तो डांस कब सिखाऊंगा? एक्सक्यूज मी, एनी मोर क्वेश्चन? मुझे एक नंबर जाना है, मैं जाऊं? मुझे दो नंबर जाना है। मुझ में ऐसा क्या देखा तुमने? तुम्हारे जैसे शर्मीले लड़के मुझे बहुत पसंद है। फूल तोड़ के चाय लाओ ना। अभी लाया। कितनी बेशर्म है। दर्दी डिस्को, यहाँ आइए। उधर देखिए, वो जो लड़की बैठी है ना, वही बली की बकरी है, और वो जो बकरा, ये है बली जिसकी वो बकरी। वाह, दिमाग के लिए क्या लेते हैं? एक्सपीरियंस छोटे। जिसको भी ऐसे प्रेम रोग होता है ना, वही ऐसे बागों में फूल तोड़ता है, और जिसकी नैया पहले से डूबेली ना, वो घर घर जाकर सबको डांस सिखाता है। आहा, आप तो ज्ञान का खजाना है। एक्चुअली नई नई जोड़ी है ना, इसलिए रूठना मनाना तो चलता है। टेंशन नॉट, उनको नंबर वन डांस सिखाऊंगा कि जोड़ी सलामत रहेगी। अपन दो नंबर से आता है। हेलो, अब गुरु को नमस्कार करो तुम लोग। दूधो नहाओ, पूतो फलो। रोजी, ये जवार खाने वाले गवार है, शुरुआत तुम करो। डांस का पहला सबक तुम सिखाओगी रोजी। तू यहाँ घास छिलेगा? क्या लगता है मैं अलीबाग से आया हूँ? बंगाल में क्या मेरा रसगुल्ला का ठेला है? बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरी डांस के दुकान के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते हैं, हॉलीवुड वेटिंग फॉर मी। पर तुम जैसे अंगूठा छाप लोग मेरा दिमाग कटाई कर रहे हैं। उस दही की लस्सी में तुझे पिलाऊंगा। हॉलीवुड की गोरी हीरोइन मेरा इंतजार। स्नेक डांसर, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? अरे वो शुरुआत में ही। भैया इसके सिखाते ही हम अपना भूल गए। ठीक से सिखाइए, अगर कोई बहानेबाजी करे तो मुझे बताइए। इन लोगों से नहीं होगा। बीच में क्यों ला रहे हो? ज्यादा बोलोगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। हाँ। मैं सही कह रहा हूँ ना? करेक्ट। अगर ऐसी बात है तो मुंह बंद करो और म्यूजिक ऑन। वॉच इट। वाह क्या बात है, क्या मूव है। लोग तो लगाते हैं, आप करके दिखा रहे हो। बुढ़ाओ शुरू करो। कमरे की लकड़ी टूटे क्या? तो इसने ठुसकी छोड़ दी। जाओ जाओ यहाँ से। डांस कर रहा है या AK-47 चला रहा है? जाओ यहाँ से। ओके नेक्स्ट। रुको, तुम पहले आ गया, इलेक्शन में खड़ा है क्या? फैंटास्टिक जोड़ी, मुझे लगता है तुम दोनों ही कप लेके जाओगे।
तुम लोग डांस के नाम पर धब्बा, सब कुछ करो पर डांस मत करो। तुम लोगों से अच्छा डांस पप्पू करता है। तुम सबके लिए मैंने डिस्को चूरन बनाया। तुम बाबा के चेले हो जो डिस्को चूरन बाजार में ले आए? ये वो चूरन है जिसे मुन्नी खाकर बदनाम हुई और शीला खाकर जवान हुई। रजिया इसे खाकर गुंडों से बची थी। जो भी इसे खाता है हवा में उड़ने लगता है। उड़ना बंद करो, जमीन पर आओ। रोजी, गुरुजी, तुम औरतों का डिपार्टमेंट संभालो, मैं इन गधों को संभालता हूँ। क्या हुआ? मेरी आँख में कुछ गया है। कौन सी? इस वाली। तुम मुझे लुक, मैं आँखों में मारू फूंक। निकला? हाँ निकला। What a relief. तुम्हें भी यहाँ कुछ लगा है? यहाँ पहली चुम्मी तुम्हारे माथे पर हमारी दोस्ती के नाम। तुम्हें एक अभी आई माँ। बिना आवाज का बुलावा? पक गई तेरे डांस से। कान की दुकान फाड़ डाली। तो गधों मुझे देखो और मुझे कॉपी पेस्ट करो, समझे? बच्चे में दम है। फोटोकॉपी निकालो इसकी। मास्टर जी, इस स्टेप के बाद परफ्यूम फीकी ना पड़ जाए तो कहना। अरे मैं इम्पोर्टेड परफ्यूम्स लगाता हूँ। चलो चलो बहाना छोड़ो, शुरू करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथ ऊपर, पीछे मोड़, नीचे झुक। गुरुजी, अभी मुंह मत खोलो। एक बात तो तय है, इस घर में गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। I hate this family. बाबा जी, ये स्टेप करके तो बहुत आराम मिला, ये स्टेप फिर से करें क्या? नहीं, एक बार मुश्किल से झेला है, दूसरी बार में उल्टी हो जाएगी। जाओ। रोजी, इन बुड्ढों ने तो नाक के बाल जला दिए। अब एक काम करना पड़ेगा, जवान पे जादू चलाते हैं, इनकी बायोलॉजी में केमिस्ट्री डालते हैं। अब देखो कमाल, इसको बोलते हैं छिलका मिलन। ओ मिस्टर डिस्को, यहाँ पे क्या बोले गुलफाम हो रहा है हा? जो तुझसे नहीं होता। मेरी छोड़ो, वो लड़की उसकी कसकर किस ले रही थी, मैंने देखा। उनकी किससे किसका क्या जा रहा है, उन्हें एंजॉय करने दो। ए, रोजी, क्या कह रहा है? बुढ़ो का मुंह बंद करने के लिए हाथ में केला दो। देखो तुम लोग, मुझे केला मत बनाओ। ए, ये क्या? दूसरी चुम्मी तुम्हारे दिल पर हमारे प्यार के नाम। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लग गया? हॉलीवुड फिल्म का सीन देखो। ओ वो, ये तो डांस की प्रैक्टिस है। और डांस रिहर्सल। मुझे लगा रोमांस रिहर्सल चल रही है। आई एम सॉरी मिस्टर डिस्को। अब तो समझ गए ना? यस, सही है, सीन कंटिन्यू करो। ये नहीं, कोई और स्टेप करवाओ। ये अच्छा नहीं है। चलो दोबारा करो। एक मिनट, इसी तरह का एक दो स्टेप मुझे भी करवाओ ना, प्लीज प्लीज। अभी आई डैडी। मेरा हो गया, मुझे जाने दो। क्यूट बेबी, यहाँ लेडीज जेंट्स का सेपरेट बाथरूम नहीं है, और तुम कल का भी आज ही नहा लो ना, पानी भी बच जाएगा और दूरियाँ भी कम हो जाएंगी। बकवास बंद, लेट मी गो। दो चुम्मियाँ तो मैंने ली ही ली हैं, अब तीसरी लिप टू लिप दे भी दो ना। हाथ अटा, सबको बुलाऊंगा, देखा? बुलाओ ना बाबूजी, जोर से चिल्लाओ। छोड़ मुझे, अच्छी छोरी कहीं की। ऊंट जैसा लंबा हो गया है, लेकिन अकल दो पैसे की नहीं। एक दूंगी ना रखे तो प्यार में पीएचडी हो जाएगी। एक लड़की ने तुम्हें बाथरूम में ब्लॉक किया है, उसका फायदा उठाओ, मुझसे लिपट जाओ। टाइम वेस्ट मत करो, अच्छा चांस है। अरे शर्म कर। शर्म तो बेच दी, इज्जत बचा के भाग ले। ऐसी नजरों से क्या देख रहा है राजा, जल्दी से मेरी बाहों में आ जा, ये मौका जाने मत दे। तुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा, मुझे तो तुझ पे शक हो रहा है। एक अबला मर्द को बाथरूम में छेड़ते हुए, ए नारी तुझे शर्म नहीं आ रही? मेरी इज्जत बख्शोगी? बख्शूंगी। कैसे? तुम्हारा शिकार करके। बाबूजी, आप लोगों ने मुझ जैसे अनाथ को अपनाया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। बात यह है कि मैं संध्या से प्यार करने लगा हूँ, पर मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। आपका मुन्ना। दामाद जी, रुकिए रुकिए।
बोल सुलेमान। हाय, हमने साले की जन्म कुंडली तक पता कर ली है। कौन है साला? कैसे हो सकता है? क्या हुआ जी? अंकिल। हाँ बेटा। मुन्ना एक लेटर छोड़ के गया जिस पर आपका नाम लिखा है। तोप सिंह, तोप सिंह, वो आ गया। कौन आ गया? भागो ग्राहक भागो। तोप सिंह, अपना खेल खेलने के लिए इस प्यादे को वहां भेजा था, लेकिन मैंने तेरा लंबा चौड़ा गेम चौपट कर दिया, वो भी शॉर्ट टाइम में। अगर तू बुलेट है तो मैं एटम बम हूं। मैं तेरे लिए कॉल बन कर आया हूं। ए, जिस दिन मैंने थाई भाषा में स्वादी काप कहा था और तू समझा नहीं, तभी मैं समझ गया था। कंफर्मेशन आज मिला। अब उनका भेजा फिरे इससे पहले फैसला कर लो कि सच्चाई तुम बताओगे या मैं उगलवा लूं। मैं बताता हूं। प्रताप सिंह के दोस्त ने संध्या के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया था, मगर हमने उस परिवार को काट डाला। उसकी जगह पर हमने अपना आदमी भेजा। बात समझ में आई? ये लोग दुश्मनों को खत्म करने के लिए हथियार नहीं चलाते, हथियार से भी तेज दिमाग चलाते हैं। समझ गए मुन्ना? और बताऊं, इन्होंने आज तक बहुत लोगों को मारा है, मगर इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हिम्मत है तो इनसे बच के दिखा। तेरे जैसा मुन्ना इनके सामने टुन्ना है। तेरे चमचे तो गन अभी अभी पकड़ना सीखे हैं, अपुन तो झूले में ही चिसके साथ खेलते। आगे से आउटडोर गेम बंद कर दे, वीडियो गेम सीख ले। अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश में लोग दर दर भटकते हैं ताकि उनकी बेटी हमेशा एक खुशहाल जीवन जिए, और मेरा भी यही अरमान है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने उसके लिए एक लड़का ढूंढा है। संध्या और मुन्ना एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों की शादी हो जाए, वो भी उसी दिन जो पहले से तय है। मगर बाबूजी। बेटा, मैंने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। मगर आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। जब तोप सिंह ने अपना बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मारने की कोशिश की तो तुमने ही जान पर खेलकर उसे बचाया था। मेरी नजरों में तुम ही उसके काबिल हो बेटा। आप संध्या तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। देखो मुन्ना, संध्या के लिए तुम ही सबसे अच्छे हो। बाबूजी लेकिन गोरेगांव वेस्ट ले चलो। बाबूजी दरअसल बात मुन्ना, ये सुनते नहीं सुनाते हैं, इतना क्या सोच रहे हैं भैया? अगर दुल्हन तैयार है तो मंडप भी तैयार है, अगर आप तैयार हैं तो हम सब तैयार हैं। जरा ध्यान से सुनो, आज इस खुशी के मौके पर आप सबके लिए एक खुशी की बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? कल सगाई के बाद जो भी सबसे अच्छा डांस करेगा उस कपल को मैं फिल्मों में डांस करने का मौका दूंगा और उनका नाम हेडलाइन में आएगा। तो हम दोनों भी हिस्सा लेंगे? नो 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 नो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी अभी तक जोड़ी नहीं बनी, तुम्हारी जोड़ी बन चुकी है।
जजमान, अपनी गांव की परंपरा के अनुसार वर वधु वर और वधु को भगवान के दर्शन करने हैं, फिर मंदिर में इधर उधर चक्कर लगाना है, उसके बाद जमा तो ठीक, नहीं तो लड़का अपने घर, लड़की अपने घर। क्या हुआ? चलो मेरा उधार चुकाओ। कैसा उधार? वही आखिरी चुम्मी, लिप टू लिप। इतनी जल्दी क्या है, शादी के बाद मिलेगी। शादी के बाद तो हर चीज लीगल हो जाएगी। मेरा बच्चा, लीगल काम करने में कहाँ मजा आता है, अगर काम इलीगल हो तो मजा डबल हो जाता है। चुम्मी दो ना। माफ करो। कम ऑन बेबी, बस एक चुम्मी। अरे, कंट्रोल कर, मंदिर में खड़ी हो, मंदिर में प्रसाद मिलता है, चुम्मी नहीं। अरे क्या कर रही हो? जाने मन, यहाँ पर कोई नहीं है और प्यार करना कोई पाप नहीं है। प्यार तो एक पूजा है और पूजा के बाद प्रसाद पर तो पूरा हक बनता है। संध्या, ये क्या पागलपन है? जो भी हो, ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम मुझे चुम्मी नहीं दोगे। दिल तो मेरा भी कर रहा है, कंट्रोल कर रखा है। संध्या, दरवाजा खोलो। पहले तुम मुझे लिप लॉक करो, उसके बाद ये लॉक खुलेगा। संध्या, मेरी बात सुनो। अरे खोलो। क्या जल्दी है संध्या? संध्या, संध्या, Thank you.
क्या हुआ? मेरा हाथ छोड़ो जाहिल गवार कहीं के। जाओ। स्वीटहार्ट। नेक्स्ट टाइम बेटर लक। आज की ताज़ा खबर। चल जल्दी मुंह खोल न्यूज़पेपर। विदेश से तुम्हारे कोई रिश्तेदार आए थे जो तुम्हारे दुश्मन मुन्ना का गेम बजाकर चले गए। एक और खुशखबरी, राम प्रसाद की बेटी अपने बाप का नाम डुबा के अपने आशिक के साथ भाग गई। मुझे तो नाचने का मन कर रहा है, मुझे तो डांस करने का मन कर रहा है। उसकी मौत की खबर सुन के कलेजा ठंडा हो गया। राम प्रसाद, तेरी बर्बादी की शुरुआत हो गई है। एक एक को मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे। मुन्ना, दो चुम्मियाँ तो हो गई, तीसरी बाकी है। जैसे ही तुम तीसरी चुम्मी दोगे तो ये साबित हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तीसरी चुम्मी बैलेंस है मुन्ना। मेरा हाथ छोड़ो जाहिल गवार कहीं के। जाओ। किसका फोन था? डैड का फोन था। अरे फोन काटने से क्या होगा, साफ साफ कह दो कि तुम उस चिड़ियाघर में दोबारा नहीं जाना चाहती। करेक्ट। हेलो, किसने उठाया? डैड। लगता है मेरी संध्या का फोन था मगर उसने फोन काट दिया। बड़े भैया, संध्या का फोन आया। रुको रुको, मुझे बात। वो अभी बच्ची है, वो दुनियादारी नहीं जानती। जरा उसे प्यार से समझाओ कि घर वापस आ जाए। बेटा, संध्या। अंकल, अगर मॉम डैड में से किसी ने कुछ बोला तो मैं फोन कट कर दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लाउड स्पीकर ऑन कीजिए। मैं चाहती हूँ जो मैं बोलने वाली हूँ वो फैमिली का हर एक मेंबर सुने। बेटा, लाउड स्पीकर ऑन कर दिया है, सब लोग सुन रहे हैं, तुम बोलो। उस घर में पैर रखते ही मेरा दम घुटने लगा था। मुझे लगा मैं पागल खाने में आ गई हूँ। मेरी फिगर देखकर आपको लगता है कि मैं भूखी मर रही हूँ। आपको पता है इसे मेंटेन करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं वहाँ। हर बात के लिए आप मुझसे मेरी राय मांगते थे, लेकिन जब तक मैं कुछ बोलूं, आप लोग अपनी राय मुझ पर थोप दिया करते थे। कितना शोर मचाते थे। ये गलती आपकी है, मेरी नहीं। मैं पैदा हुई इंडिया में, पली बड़ी यूरोप में। जब पिछले 14 साल से मैं यूरोप कल्चर की आदी हो चुकी हूँ तो अचानक मुझ पे इंडियन कल्चर क्यों थोप रहे थे आप लोग? मेरी शादी वहाँ किसी घोंचू से करवाकर आपको लगा कि आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन ये 10 दिन जो मैंने आप सबके साथ उस पागल खाने में बिताए हैं, मुझे लग रहा था कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। और इसीलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड क्रिश के साथ जिंदगी भर खुश रहने के लिए यहाँ भाग आई। मैंने आपके मान सम्मान के लिए आपको फोन नहीं किया। दोबारा मुझे टॉर्चर ना करो इसीलिए फोन किया। अगर आपकी तरफ से मुझे कोई भी परेशानी हुई तो यूरोप की कोर्ट में आप सबके खिलाफ केस कर दूंगी। पर मुन्ना का क्या मतलब उसका क्या? He is not my type। उस गवार से प्यार मेरी जूती करेगी। मैंने बस उसे बकरा बनाकर यूज किया। कह दो उससे, हम उसे भूल गए, वो भी हमें भूल जाए। ये दिन देखना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था। इससे तो अच्छा होता हम बेऔलाद होते। कितने प्यार से हमने उसे पाला था, पोसा था। यूरोप क्या गई, अपने आप को अंग्रेज समझती है।
वो ये क्या जाने जो इज्जत उसने खोई है उसे बनाने में कितना वक्त लगता है, और वो क्या समझेगी, उसे तो अपने माँ बाप की कोई फिक्र ही नहीं है। आज से उसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, वो हम सभी के लिए मर चुकी है। मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो, आप ऐसा मत कहिए। उसे अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया क्या? मैंने उसे पाला और वो और किसी के साथ चली गई, वो ऐसे कैसे कर सकती है? मैं परसों से जिसकी एक झलक के लिए तरस रही थी उसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। अंकल, इस क्रिश के बारे में आप कुछ जानते हैं? क्रिश एक बहुत बड़े माफिया गैंग के मुखिया का छोटा भाई है, जिसके बड़े भाई का नाम है ओजो। अब आएगा मजा। तुझे दिल से खेलने का बड़ा शौक है ना, धोखेबाज कहीं की जहां हुई है तू उड़न छू, वहां का तो मैं किंग हूं। प्यार में धोखा महंगा पड़ेगा तुझे। ये अपना फटीचर मुन्ना हीरो कैसे बन गया? अंकल, आप मुझे पसंद करते हैं? हाँ। सच्चाई जानने के बाद आप मुझसे नफरत करेंगे? हाँ? हाँ, सेंड सेंड, इनसाइड सेंड। सर को इंग्लिश का उस्ताद कमिंग। Who is he? वन लड़की। ओह, कल्चर इंडिया का बॉडी मेड इन यूरोप। छीन छिना के बोम्बा बोम। नमस्ते। Sitting down, please. Thank you. Don't worry. एक हफ्ते में आपका बेटा अंग्रेजों को इंग्लिश में पछाड़ देगा अंकल। बेटा? ओह, नहीं तो क्या आपके सर की वाइफ? हमारे सर अब तक कवारे और डैशिंग है। Then who is the student? His student is he. I. Uncle, what's your age? Age की इंक्वायरी छोड़ दो। सर, आपकी तो निकल पड़ी। टीचर के इंग्लिश फिगर से मेरे थर्मामीटर का पारा होने लगा है। अप एंड डाउन। इसकी आईज हिरन जैसी, वॉल्यूम कोयल जैसा और नेक जिराफ जैसी है। चिड़ियाघर से भागकर तो नहीं आई है? टीचर, आप मुझे टीज करने यहाँ आई। आई एम ग्लैडली हैप्पी, लेकिन टुमारो ब्रदर सगाई, बहुत वर्क, सो नो गिव होमवर्क। कल से शुरू करें। ओके, तो मैं चलती हूँ। एक और क्वेश्चनिंग। पूछिए। कल मेरे भाई का एंगेजमेंट है। यू कमिंग? अरे अरे, आ जाएगी। अगर ये आ जाएगी तो ही तो आपको मिलने कल आएगी। एक रेस्ट यू विल फील बस्ट। अपनी रेस्ट के बारे में सोचो। बेस्ट बोलना चाहता था यार। सबको मेरा गुड रात्रि। मेरा शॉर्ट ब्रदर क्रिश एंड इवनिंग यानी कि संध्या एक दूसरे को हार्डली लव करते हैं। कमिंग संडे को इनटू मॉर्निंग 7:15 पर इन दोनों का मैरिज माय मदर और आई धूमधाम से करेंगे। You enjoy. I coming 2 minutes. बिना नाचे पार्टी से क्यों निकला है? Me not like अंग्रेजों का कल्चर और me not also like छोटे छोटे कपड़े। तो आप अंडरवेयर भी नहीं पहनते हैं क्या? देसी लोग तो कच्छा पहनते हैं ना, इसलिए पूछा। सर, टीचर। टीचर, पार्टी गोइंग डाउन, यू स्टैंडिंग अप। एक्चुअली मुझे अंग्रेजों का कल्चर और छोटे कपड़े पसंद नहीं है। टीचर, वन मोर टॉक, टुडे एंड टुमारो। मुझे सर्कल कमिंग इनसाइड, राउंड राउंड चक्कर कमिंग। पाँव भारी तो नहीं है? मैं स्पीक नहीं सकता, इस शर्म से वाटरी हो रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, मुझसे क्या शर्माना? एक्चुअली दिस इज एक यंग बॉय और यंग गर्ल लव स्टोरी प्रॉब्लम। अच्छा, लव प्रॉब्लम। हाँ टीचर, पहले मैं आपको लड़के की फुल फीलिंग टेलिंग। जल्दी बताओ ना। वो बॉय गर्ल पर जान स्प्रे करता है, उसके बिना वो जिप से रह नहीं पाता। उसको बहुत शाय हो रहा है लड़की को आई लव यू बोलने में। बस इतनी सी प्रॉब्लम? आप बुजुर्ग हैं, आप उन दोनों को मिलाने का काम क्यों नहीं कर देते? बूम जूम बुजुर्ग। ये क्या सर, आपकी गाड़ी तो रिवर्स गियर में जा रही है। नहीं रे, नहीं, टेक इट इजी, यू रॉन्ग जजमेंट। गाड़ी रिवर्स में हो या फर्स्ट गियर में, चल तो रही है चंकी। क्या खाक चल रही है सर, उसके दुपट्टे को पकड़ के कुत्ते की तरह उसके पीछे घूमते घूमते वाओ वाओ करोगे तो निवाला मुंह तक आके भी हाथ में ही रह जाएगा, समझे? अरे चंकी, ये सुन रहा हूँ, लव सिर्फ अंधा ही नहीं हैंडीकैप भी होता है। हाँ? दिल कमिंग गधी पे तो गधा क्या चीज है। 2 months में टीचर आउट, भाभी इन।
बूम जूम धड़ाम। कंग्रेट। ओह हेलो। एक्सक्यूज मी। हे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? कल तक भले ही क्रिश एक पब्लिक प्रॉपर्टी रहा होगा, लेकिन एंगेजमेंट के बाद ये प्राइवेट लिमिटेड है। कूल, गुड फॉर यू। हे गाइस, लिसन टू मी। संध्या का ये कहना है कि वो क्रिश से इतना प्यार करती है जितना हमें से कोई नहीं करता। Yay! तो संध्या का प्यार कितना पावरफुल है उसका टेस्ट कर लिया जाए। द टेस्ट इज, संध्या अपने चेहरे पर एक मास्क पहनेगी और अपने आँखें बंद कर लेगी। उसके बाद सारे लड़के भी अपने चेहरे पर मास्क पहनेंगे। उसके बाद मैं उल्टी गिनती शुरू करूंगी। संध्या को इन लड़कों में से बिना किसी को छुए क्रिश को पहचानना है। अगर वो क्रिश के फीलिंग्स को पहचान कर उसे गले लगा लेती है, तभी हम मानेंगे कि संध्या क्रिश को प्यार करती है। काउंटिंग खत्म होने से पहले मैं क्रिश को गले लगाऊंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. शौक लगा क्या अनारकली? तुम यहाँ? तुम्हें पाने के लिए मैं यमराज से सेटलमेंट करके आया हूँ। क्रिश! क्या चिम? ए, संध्या को छोड़ दे, वरना आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्यों छोड़ दूँ? अभी अभी तो पकड़ा है। आज तक मेरी थी, तेरी कब से हुई? मेरी खट्टी अंगूर, ये लंगूर तुझे मुझसे नहीं छुड़ा सकता। छुड़ाएगा। अगर ऐसा है तो उसे रेस करने बोल। पकड़ो उसे। तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। बार बार पीछे मुड़ के मत देख मेरी अनारकली, तेरी नाजुक गर्दन अकड़ जाएगी। Enjoy the ride. पोजीशन कितना अफरा है, अस्तमा है क्या? अबे कछुए, रेस तो अभी बाकी है। प्यार के बारे में बहुत सुना था, तुझसे प्यार किया, साहला प्यार का नशा ही उतर गया। तुम्हारा डाका क्रिश से भिड़ा था, फर्क नहीं पड़ता। मुझसे प्यार तो नहीं करती थी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी एक ही बात से हटी। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और अपने जज्बातों को तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया, लेकिन तुमने मेरे दिल को ही चीर दिया। अनारकली चढ़ाई सलीम की बलि। समझी नहीं। अरे तू क्या समझेगी, हट,
ड्रामे बास कहीं की। अपनी अधूरी लव स्टोरी को पूरा करने के लिए तुमने मुझे मोहरा बनाया। तुम जैसी मतलबी लड़की मैंने नहीं देखी, इसीलिए ये सलीम तुम्हें प्यार का मतलब समझाने आया है। क्या बोली थी? नेक्स्ट टाइम बेटर लक। नेक्स्ट टाइम मतलब हम दोनों को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मुझे तुमसे मिलने के लिए 25 साल वेट करना पड़ेगा। वेट करके क्या फायदा, ताकि तुम मुझे फिर से धोखा दे सके। तू पहली लड़की थी जिसे मैंने दिल से प्यार किया था। यहाँ मैं तुझे अपनी बातों में लपेटने नहीं आया, ये बताने आया हूँ कि तू इसी लाइफ में मेरी दुल्हन बनेगी। अरे सारी प्रॉब्लम की जड़ तू ही है। मैं रोहन को झांसा देकर वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तुम वहाँ आकर हीरो बन गए, और मेरे फैमिली वाले तुम पर इतना यकीन करते हैं कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस गई। मंदिर से भी क्रिश के साथ भागने की मेरी पूरी प्लानिंग थी, लेकिन तुम वहाँ भी अटपके। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ट्रेन में गोली लगने के बाद भी तुम बच गए। तुम्हें मैंने धोखा दिया अपने प्यार के लिए। आई लव क्रिश। तुम दोनों का मिलन देखने नहीं आया हूँ मैं। हमारा मिलन तो अब होकर रहेगा। गलत फहमी है तुम्हारी। प्यार में कौन किसके लिए बनाए, ये तो तकदीर बनाने वाले के अलावा कोई नहीं जानता। ये लव नहीं अट्रैक्शन है। नहीं प्यार। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? पता है। अगर पता होता तो मेरे प्यार का मजाक ना उड़ाती, और अपने प्यार को पाने के लिए तुम मेरे प्यार को हथियार ना बनाती। नहीं ये सच नहीं है। यही सच है। अपने प्यार के लिए दूसरे के प्यार का गला घोटना प्यार नहीं। प्यार तो कुर्बानी का दूसरा नाम है। जिस दिन तुम्हारा दिल तुमसे कहे कि तुमने मुझे धोखा दिया, उस दिन तुम प्यार का मतलब जानोगे। तुम मेरे लिए रोगी। हफ्ते भर बाद क्रिश और मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे तुम? हा? सपने चाहे कोई आंडू पांडू देख ले, दूल्हा तो मैं ही बनूंगा। इम्पॉसिबल। संध्या तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने एक हीरे जैसे लड़के को ठुकराया। जब तुम्हारी सांसें तेज चलने लगेगी और दिल जोरों से धड़कने लगेगा, तब तुम्हें प्यार का एहसास होगा, और उस वक्त तुम मेरी बाहों में आने के लिए तड़पोगी। इंग्लिश वेयर गॉन, तुम तो बहुत बोल रहे थे डू इट बट डोंट डाई। वन साइड लवर ही अपनी गर्लफ्रेंड की मैरिज में मंडप लगाते हैं। निकल गई ना आशिकी, लव इज रिस्की। अब इंग्लिश डिक्शनरी पंगे लगा तो चीर के रख दूंगा। तुझ जैसा डॉन क्या जाने कि प्यार क्या होता है। गिव लगाम योर टंग। मुझे भाषण गिविंग? तूने एशिया में राज करने का मेरा प्लान फ्लॉप किया, यहां आकर मेरे और मेरे भाई की इंसल्ट की। अब तो बिल्कुल जिंदा नहीं लिविंग। काट द रोप सूजी, ऑर्डर माय फॉलो। तेरा भाई कितनी भी कोशिश कर ले, संध्या मेरी है, मेरी रहेगी। ए ए सलीम, मैं एनिमी को खुद वेपन दे के फाइटिंग, इसलिए तुझे एक और चांस गिविंग। लेकिन बाय चांस कुछ गड़बड़ हुई तो? अगर संध्या के हार्ट में तुमने प्यार जगा दिया तो तुम्हारी शादी में मैं ड्रमिंग बजाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? और अगर नहीं जगा पाए तो तुम्हारी खटिया स्टैंडिंग। ओजो हवस में रहिए। ओजो कभी बेवड़ा मार के बात नहीं करता। ओजो तू कोशिश करके देख ले, लेकिन संध्या ने मेरे नाम की अंगूठी पहनी है, वो मुझे अपने दिल से नहीं निकाल सकती। संध्या तू मेरी ही बनकर रहेगी, ये चैलेंज है मेरा। अच्छा ऐसा क्या? तुम्हें लगता है कि ये मैरिज रिंग हमारे बीच का कनेक्शन है? तो ठीक है, इसे बाहर निकाल कर कनेक्शन कट करने के लिए फेंक देती हूँ। अब खुश? संध्या ये तुमने जा, तुझे एक चांस मोर दिया। ओजो सलीम किसी चांस का मोहताज नहीं, मैं खुद अपनी किस्मत लिखता हूँ। सर आपके साथ आई नॉट गेट बेटर बट इंग्लिश गेट बेटर। इनसे मिलिए।
ये लोग कौन है? आपकी होने वाली बहू के रिश्तेदार हैं। फर्स्ट टाइम यू एक्सपोज होशियारी है। पगार बढ़ाओगे ना? नेक्स्ट ईयर। अब संध्या की शादी अनाथ हो जैसी नहीं होगी, ये लोग उसका कन्यादान करेंगे। शादी होने तक इनकी खातिरदारी करो। आप पीपल को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बूम झूम धुड़ुम बूम झूम धुड़ुम, मैं इनका चेला बन जाता हूँ। सर 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 सर, मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी अपने गैंग में भर्ती कर लो ना। मेरी नौकरी खतरे में है। माय पोजीशन जैसा आप समझो। सर टीचर आ गई है। टीचर धूम्रपान निषेध है। ये ले पकड़। टीचर टीचर के सॉफ्ट हैंड्स में हार्ड वाली छड़ी है। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव योर सीट। ए सीटो रे, हम ABCD से शुरू करेंगे, मतलब टॉप से। ए फॉर AK-47। बी फॉर बॉम्ब। सी फॉर छोटा बॉम्ब। इडियट। आप गुस्से में रेड येलो हो रही है। अगर तुमने गन बंदूक की दोबारा बात की ना तो मैं छड़ी से पिटाई करूंगी। टीचर तुम्हें ट्यूशन देके बहुत बड़ी गलती की। लगता है मैं किसी टेररिस्ट को पढ़ाने आई हूँ। इस DVD में इंग्लिश बोलने के सारे तरीके हैं, समझे? इसमें से तुमने एक भी सीख लिया तो इंग्लिश आ जाएगी। टीचर क्या सर, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा अगर लोगों को पता चल गया कि वो आपको इडियट बोल के गई। चंकी, शी इज आवर टीचर। इफ आई गिविंग इज्जत तभी तो टीचर रिटर्निंग मोहब्बत। गिविंग एंड टेकिंग। ये लगा 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 लगा। तूने संध्या को चैलेंज तो कर दिया, तुझे लगता है कि तू उसे जीत पाएगा? भाई चैलेंज देकर यहाँ लट्टू घुमा रहे हो। 2 दिन तो वैसे ही वेस्ट हो गए। सलीम तू संध्या को भूल। मुझे तुम पर भरोसा है मगर उस संध्या पर बिल्कुल नहीं। इंसान पर भरोसा नहीं, दिल पर करना सीखो, क्योंकि दिल ही है जो हमेशा सच बोलता है। प्यार की पहली घंटी टिंग टॉंग। लगता है उसका पत्थर जैसा दिल पिघलना शुरू हो गया। तड़ी पार हो गए हो क्या? जोश में आके जो तुमने चैलेंज किया था उसका क्या हुआ? उस चैलेंज से तुमने गिव अप कर लिया? तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है कि ओजो के डर से चूहा बिल में छुप गया। सलीम को मिस कर रही हो अनारकली? मेरे लिए तड़प रही हो? भौरा तो यहाँ है, कली उसके पास आने के लिए मचल रही है। तुम्हारी थमी हुई सांसें तुम्हारी बेचैनी बता रही है। तुम्हारी जिंदगी में 2 दिनों में गहरा सन्नाटा छा गया है, इसीलिए तुमने मेरी रिंगटोन बजाई ना। जाने मान, ये सलीम तुम्हें दीवार में नहीं चुनवाएगा अनारकले। मुझे उस बेवकूफ जाहिल को फोन ही नहीं करना चाहिए था। समझता क्या है वो खुद को, उसे सबक सिखाऊंगी। CAT कैट मतलब मैं आऊं। DOG डॉग मतलब बबो। भौंकने को नहीं कहा? यू अक्षर से शब्द बनाना टीचिंग और मी शब्दों को भाव में प्रकट करेंगे। तो क्या मैं भी छड़ी से अपना भाव प्रकट करूं? छड़ी से नहीं, इन्हें प्यार से चिमटी काटिए। डराकर पढ़ाने का कौन सा तरीका है? पढ़ाना है तो हाथों में हाथ डालकर पढ़ाइए। अबे कद्दू, मम्मी पापा ने यही सिखाया है? बच्चे की बात एक्सेप्ट कर लो और इसका दिल रख लो प्लीज। इसका नहीं तो मेरा दिल रख लो। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम्हें सुधारना पड़ेगा। चलो हाथ दो। हैंड क्या चीज है टीचर, कहो तो हार्ट दे दूं। जरा कमरे से बाहर जाइए। पहले स्टिक खाना, देन गोइंग। बाद में खा लेना, ठंडी नहीं होने वाली है। आप बाहर चलिए, मैं समझाता हूँ। बाहर चलिए ना। अरे क्या, वो क्लास से बाहर क्यों किया? आप भी कितने नादान है ना सर। अरे लेकिन हुआ क्या? अच्छा अच्छा, ओवर एक्टिंग बंद करो और अंदर जाकर टीचर का ब्लाउज बांध दो। मैं बांधू? यहीं रुको, मैं बांधू। सॉरी तू रुक, आई गोइंग। ये अंदर का मामला है, एयर बाहर ना निकले। पानी कर दो। टेलर की दुकान में असिस्टेंट है क्या? सर चंकी, गुड न्यूज, टीचर ने मुझे छू लिया। सच में?
थप्पड़ मारते वक्त छुआ क्या? इडियट हो तुम चंकी। बोले तो बांधना सीख गया चंकी, अब अगला लेसन। किसी ने सच्ची कहा, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तेरा प्रॉब्लम क्या है? कमीशन मिलना चाहिए बस। डबल मिलेगा। हे क्रिश, ये बैचलर पार्टी तुम ट्रेन में क्यों मना रहे हो? मैं और संध्या पहली बार इसी ट्रेन में मिले थे। जब मैंने झप्पी और पप्पी लेनी चाहिए तब स्टेशन आ गया और ये उतर कर चली गई। लेकिन आज कोई स्टेशन आने का चांस नहीं है। मेरी अनारकली किसी और की झप्पी लेने चली। लाइफ की फर्स्ट झप्पी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? वो देख रहा है। कौन? सलीम। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, इस ट्रेन में बैठे हुए सभी लोग तो देख रहे हैं हमें, उनसे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो क्या एमएमएस बना रहा है, उसे इग्नोर करो और मुझे झप्पी दो। नहीं क्रिश, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। क्या कहा तुमने, फिर से कहो। कुछ नहीं। कुछ तो कहा था तुमने। कहा ना कुछ नहीं। हाँ पर मैंने तो सुना था। तेरी वजह से कंफ्यूज हो जाती है, समझा क्या? अपने प्यार पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम तो कंफ्यूज लगती हो बेबी। गलती, गलती। तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है। तुम जितना मुझसे डिस्टर्ब होगी उतना ही ज्यादा मेरे करीब आओगी। कल मैं तुमसे दूर था तो तुम बेचैन थी, आज मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ तो सोच रही हो कि तुम जो कर रही हो वो सही है या जो करने वाली हो वो सही है। कंफ्यूज तुम। मजनू बोला, मेरा लव चेंज नहीं हो सकता। लव वाइच रहेगा बट लवर चेंज हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, मुझे कॉन्फिडेंस है। अबे शाने लुखे हटेले, इस पे कॉन्फिडेंस लगा के गलती कर रहा है? जुए पे दाव लगा, लड़की पे नहीं। इसके भेजे के बाटले में कॉन्फिडेंस का गैस भर गया है, मुझे लीक करना ही पड़ेगा। थैंक यू एंजल, मेरी खातिर तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। प्लान के मुताबिक तुम ओजो को ट्यूशन दे रही हो। दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोलते सलीम। नाटक करते करते उससे अपना दिल मत दे देना। कोशिश करूंगी। टीचर आपकी याद आ रही है। आपकी याद सॉलिड है भाभी, आ गई। टीचर मेरा फ्यूचर। सर फांसी क्यों लगा रहे? लव की दाल गलाने के लिए आइडिया का तड़का लगाना पड़ता है। अम्मा। लगता है पढ़ाई में दिल लगने लगा है। पढ़ाई में दिल कुछ ज्यादा ही लग गया इनका। आप दो दिनों से क्लास क्यों बंक कर रही है टीचर? मैं यही बताने आई हूँ, मुझे लड़के वाले देखने आए थे। क्या हुआ आपको? इस सारी दाल जल गई, मगर मैरिज करने का निकम्मा थॉट कहाँ से है आपके माइंड में? माइंड में नहीं, हार्ट में। वैसे आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? वो इसलिए बिकॉज कैसे बताऊं? शर्माइए मत सर, अब बता भी दीजिए, नहीं तो आपकी मर्दानगी पर ये शक करने लगेगी। टीचर मैं अब तक इसलिए सिंगल रह गया क्योंकि शॉर्टेज में मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी। भिंडी बाजार में जब मैं किड था तब मेरा नाम राज था। एक दिन एक मैड गर्ल आई हमारे नेबर के घर पर समर वेकेशन में, उसका नाम था सिमरन। उस वेकेशन में राज ने सिमरन के साथ पूरी सेटिंग कर ली कि तभी कहानी में टर्न आ गया। सिमरन के मोगैम्बो खडूस बाप ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी, पर राज सिमरन को डॉग की तरह सर्चिंग सर्चिंग नाला सोपारा तक गया। सिमरन फुल फैमिली के साथ प्लेटफॉर्म तक तो आई पर चलती ट्रेन में चढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सर आपकी कहानी में इतना दर्द है कि मेरे सिर में दर्द हो गया और बादल फटे और आंसू निकल आए। आपकी आंखों में क्राई, डोंट क्राई। तुम्हें चेहरा याद नहीं? आई एम सिमरन। मतलब तुम नाला सोपारा से हो? हाँ राज, मैं नाला सोपारा वाली सिमरन। पापा ने उस दिन हाथ तो छोड़ा लेकिन तब तक ट्रेन जा चुकी थी। मैं तुम्हारे इंतजार में पीछे टर्न करके देखती रही, गर्दन में मोच आ गई पर तुम कहीं नहीं दिखे। मैं घर से भाग गई, नहीं पता था कि कहाँ जा रही हूँ। मेरा घर छूट गया और तुम भी पीछे छूट गए। मेरे पास तुम्हारी दी हुई गुड़िया थी, उसी गुड़िया को देख के मैं तुम्हें याद करती थी। मैं तुम्हारी वही सिमरन हूँ राज, वही सिमरन हूँ।
स्टोरी तो सेम है, मगर मेरी स्टोरी में कपड़े की गुड़िया नहीं थी। स्टोरी में थी या नहीं, उसे छोड़ो और इसे पकड़ो, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगी, समझे? पर मैंने तो अंधेरे में एरो चलाया था। अरे तीर अंधेरे में चलाओ या उजाले में, लेकिन लगा सही जगह है ना, वो नाला सुपारा वाली सिमरन है और आप भिंडी बाजार वाले राज है। जल्दी से उसे बाहों में भर लो, नहीं तो ट्रेन फिर से छूट जाएगी। अभी जाऊँ की बाद में जाऊँ? आपको जाना तो जाओ, नहीं तो मैं चले जाऊंगा, समझे? सिमरन राज, ये सब कुछ मुझे एक सपने जैसा लग रहा है, कभी नहीं सोचा था हम दोबारा मिलेंगे। मगर मेरा सिक्स्थ सेंस वाज टेलिंग माय खोपड़ी कि हम एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। राज और सिमरन का मिलन हो ही गया। राजू बूम जूम धड़म। हाय गाइस, ये पार्टी इस ब्यूटीफुल लेडी के नाम संध्या, मेरी मंगेतर। ग्रेट, शी इज गॉर्जियस। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एक दूसरे के होने वाले हैं, तो इसी खुशी में आज मैं संध्या की बैचलर किस की नीलामी करूंगा। Wow, that's a great idea. तो देखते हैं वो खुशकिस्मत कौन है जो मेरी मंगेतर की बैचलर किस लेगा। बोली शुरू होती है $500 से। $1,000, $2,500, $5,000. वेट और एंटरटेनमेंट टैक्स काटने के बाद $5,000। सलीम, बेगानी शादी में तू दीवाना मत बन, मेरी बोली के आगे तेरी बोलती बंद हो जाएगी। $10,000 मेरी बोली। $15,000, $25,000, $50,000, $75,000, $1,00,000, $1,25,000। तुम आगे बोली मत बढ़ाओ। पर क्यों? क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ होगा ही नहीं, लुखा है साला। You are right. Okay, guys. Salim is the lucky guy जो मेरे फियांसे की आखिरी बैचलर किस लेगा। Give kiss 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 to your lover boy. पहले रोकड़ा बेटा। शोरूम में गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव किया करते हैं, पैसा बाद में देते हैं। You are right. लेकिन ये नीलामी। नीलामी हो या सेल, एक बार आइटम देखने के बाद ही पैसा देता है ये सलीम। ओ, संध्या को तो तुम पहले ही देख चुके हो। हाँ, पर कभी उसे चूम कर नहीं देखा। वन मिनट। किस देते? चुम्मी मैंने नीलामी में नहीं खरीदी, ये तो वो तीसरी चुम्मी थी जो मुझ पर उधार रह गई थी। अब तो तुम मानती हो ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं मेरी अनारकली। मेरी सांसें अब तुम्हारी सांसों में घुल गई हैं। अब इस बंधन को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। एक है मैं और तू 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 तू। टेस्ट ड्राइव हो गया ना, अब पैसा निकाल चल। नहीं है मेरे पास। हे साले इंडियन, जहां फ्री का मिला चोंच लड़ाना शुरू, कोई कल्चर ही नहीं। ए कल्चर शाने, किस कल्चर की बात कर रहा है तू? यहाँ खुले में तेरा कल्चर भी खुल गया। अबे साले मंगेतर के किस नीलाम करता है, भरे मैदान में उसकी बेइज्जती करने को कल्चर कहता है। अरे भारतीय संस्कृति में पति पत्नी एक दूसरे के दिलों में बसते हैं। शादी पवित्र बंधन है जिसे तुम जैसे मॉडर्न लोगों ने अपने शौक और मौज मस्ती के लिए दुनिया के सामने नीलाम कर दिया है। जिस तरह की घिनौनी हरकत तुम लोग करते हो, छोटे कपड़े पहनते हो, बदन की नुमाइश करते हो, ये हमारा कल्चर नहीं है। आजकल की लड़कियों की प्रेफरेंसेस क्या क्या है, लड़के के पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं। लड़की सर उठाकर तभी जीती है जब उसके आत्मसम्मान की रक्षा उसका पति करता है। वेस्टर्न कल्चर में मदर्स डे फादर्स डे तुम लोग मनाते तो हो, बस इसी एक दिन तुम उन्हें याद करते हो, मगर हमारे लिए हर दिन मदर्स डे और फादर्स डे है। हम अपने माँ बाप की सेवा करके गर्व महसूस करते हैं। परदेश में रहने के बाद भी अपने देश की संस्कृति मैं तो नहीं भूला। अफसोस तुम भूल गई, तुम्हारा परिवार भारतीय संस्कृति की जीती जागती मिसाल है। जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया उन्हीं को तुमने खंजर भोंका। जो औलाद अपने माँ बाप की नहीं हो सकती
वो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। तुम्हें ये मुबारक इसे तुम तो मेरे नफरत के लायक भी नहीं हो। भाभी आई है। संध्या? सलीम, संध्या आई है। क्या कहा? हाँ। थप्पड़ मारकर तुम मुझ पर अपना हक जताने आई हो? ए, आज तुम सुनोगे और मैं कहूंगी। तुमने प्यार किया, मैंने भी प्यार किया, तुम्हारे प्यार में बहुत कशिश है। जब तुम यहाँ मेरे पीछे आए थे, मुझे लगा था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से दूर हो रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं तुमसे हार रही हूँ। I beg of you, please go away. अगर तुम वाकई मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे छोड़कर चले जाओ, वरना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। प्लीज, प्लीज। संध्या, जिंदगी में जिससे प्यार करो उसे हासिल कर लेना ही सच्चा प्यार नहीं होता, बल्कि अपने प्यार के लिए अपनी चाहत को कुर्बान कर देना ही सच्चा प्यार होता है। अब धीरे धीरे सच्चे प्यार का एहसास तुम्हें भी होने लगा है, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हारे दिल से बड़ा है, तुम मुझसे कह नहीं पाओगी, इसलिए मैं जा रहा हूं। थैंक यू। संध्या बेटा, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट आया है। तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट भेज रहा हूं, लेकिन ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। इसमें तुम्हारी छोटी सी याद कैद है, जिसकी वजह से तुम हमेशा मेरे पास रहती थी। Excuse me, this is new arrival. Good morning, duplicate. How are you? No worries, I'll be with you forever. Have a nice day. Take care. All the best. एक मिनट रुको। तुमने उस दिन ये छोड़ दिया था, तो मैंने खरीद लिया। दिन रात तुम्हारी ही क्लिप देखते रहता था। सोचा था फर्स्ट वैलेंटाइन पर तुम्हें ये कैमरा गिफ्ट करूंगा। बैड लक। अब ये मेरे किसी काम का नहीं। टेक केयर। ऑल द बेस्ट। कम संध्या, ये स्विट्जरलैंड की सबसे खूबसूरत जगह है। स्विट्जरलैंड में हर एक का सपना होता है कि वो यहाँ शादी करे। यहाँ की गई शादी के जोड़ों का बंधन 7 जन्मों का होता है। यही खासियत है शानदार पैलेस की। हे, अब मैं अपनी शादी में होने वाले इंतजाम की छोटी सी झलक दिखाता हूँ। कल इस लॉन में, जिसके पीछे एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियाँ आकर यहाँ जमा होंगी और हमारी शादी में हमें बधाइयाँ देंगी। यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दुनिया भर में हम हेडलाइन पर होंगे। दुनिया भर के बड़े बड़े म्यूजिशियंस यहाँ पर रोमांटिक धुन बजाएंगे। एक और सरप्राइज है, इंडिया से आए पंडित लोग यहाँ पर मंत्र पाठ करेंगे। ए, अभी से सपनों में खो गई क्या? हेलो संध्या, सुन रही हूँ सलीम। व्हाट? सलीम, सलीम, साले ने जीना हराम कर दिया है। देखो, जिस तरह गलती करने पर बच्चों को माफ कर दिया जाता है, इसी तरह अपनी गलती समझकर उसे भूल जाओ। उसका नाम दोबारा तुम्हारे लब पर नहीं आना चाहिए। निकाल फेंको उसे। जब जूली ने मुझे गले लगाया तब तुम्हें जलन हो रही थी, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल बदल गई हो। ऐसा लगता है तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम मुझे निगले क्यों कर रही हो? Are you confused? अपने प्यार पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम तो कंफ्यूज्ड लगती हो बेबी। तुम बदल गई हो संध्या। इंडियन कल्चर और सलीम तुम पर पूरी तरह से हावी हो गया है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई प्यार नहीं रहा। जिंदगी में जिससे प्यार करो उसे हासिल कर लेना ही सच्चा प्यार नहीं होता, बल्कि अपने प्यार के लिए अपनी चाहत को कुर्बान कर देना ही सच्चा प्यार होता है। I can't live without you. Sandhya, I need you. I love you. No, no, no. किसका मैसेज है? संध्या का। SMS किया है कि मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन अब मिलकर क्या फायदा? लेकिन यार, एक बार तो मिलने का हक बनता है। हाँ यार, एक बार तो मिल ले। हाँ सलीम। भैया।
तुम्हारे चेहरे पर 12:30। भैया संध्या ने मुझे धोखा दिया है, वो सलीम के साथ भाग गई। वरी नॉट, संध्या के साथ तुम्हारी मैरिजेज जरूर होगी। पर सलीम को दिया हुआ वादा? ओजो ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि वो दूसरों से किया हुआ वादा ब्रेक करेगा, और माँ से किया हुआ वादा कभी ब्रेक नहीं। तुमने मुझसे एक मिनट मांगा था, उसमें से 10 सेकंड हो चुके हैं। सलीम, तुमने पूछा था ना सच्चा प्यार किसे कहते हैं, मुझे इसका जवाब मिल गया। तुमने बिल्कुल सही कहा था, लव इज पावरफुल। ये तो जादू हो गया, मैं तुमसे प्यार कर बैठी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बट आई डोंट लव यू। तुम अपने इशारों पर हजारों लड़कों को नचा सकती हो, पर ये चोट खाया आशिक अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। यू टर्न मार लो अनारकली। मैं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि सच्चा प्यार क्या होता है, तड़पना क्या होता है, प्यार में धोखा खाने के बाद किसी प्यार करने वाले का दर्द क्या होता है तुम्हें पता चले। वो दर्द मैंने सहा है, अब वही प्यार का दर्द तुम भी सहोगी। मेरे साथ प्यार का खेल खेला, मैंने तुम्हें लपेटने का मतलब समझा और तुमने मेरी जिंदगी ही लपेट दी। इंसान भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यार की तड़प नहीं। मेरा दर्द तुम्हें सर से पांव तक तड़पाएगा। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो। तुमसे आई लव यू कहने के बाद मुझे लगा कि मैंने आसमान छू लिया। मैंने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई थी, इसका एहसास मुझे नहीं था। पर अब मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। I'm so sorry, very sorry। Sorry, झूठे आंसू बहाना और दिल तोड़ने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। जो चाहे सजा दो, लेकिन मुझे माफ कर दो सलीम। माफी मांगनी है तो जाकर अपनी फैमिली से मांगो। अरे उनकी वजह से ही तो मुझ जैसे अनाथ को पता चला कि माँ बाप का प्यार क्या होता है, पर तुम अपनी फैमिली को ठुकरा कर उन्हें धोखा देकर यहाँ भाग कर चली आई। मुझसे प्यार करती हो ना तो मेरे साथ इंडिया चलो और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगो। है हिम्मत? अरे जगिया, तुम्हारी होने वाली बहू और उसका रिश्तेदार दोनों गायब है। मुन्ना उर्फ सलीम। ओजो उर्फ किंग। संध्या को इंडिया ले जा रहा हूँ और साथ में तुम्हारी टीचर को भी। ए, ए, ए। तू मेरे प्यार को मुझसे डिवाइडिंग, मैं तुझे डिवाइडिंग। तुझे भी तो पता चले अपनी महबूबा से दूर रहने की तड़प क्या होती है। ओजो को तुम नहीं अंडरस्टैंड, इंडिया आकर संध्या और टीचर को ले जाऊंगा और तुम सबको ऑल टुगेदर ऊपर पहुँचाऊंगा। तो आ, मैं कमिंग। आना कमिंग, एक पंगा हो ही जाए। वेलकम टू इंडिया। क्या बात है सलीम, सही मौके पर आए हो। मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ संध्या की फैमिली को छुड़ाने आया हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है डैड, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऐसा मत कहिए डैड। पहले माँ बाप डरते थे कि अगर उनके यहाँ बेटी पैदा हो गई तो शादी में दहेज कहाँ से देंगे। अब वो इस डर में जीते हैं कि कहीं बेटी बड़ी होकर किसी के साथ भाग न जाए। भैया माफ कर दीजिए भैया, हमारी बच्ची को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, इसे माफ कर दीजिए ना।
रानी। इन सबको यहाँ से जाने दे। रुक रे, सबको ऊपर जाने दूंगा एक एक करके। हे सलीम, इतने आदमियों से तेरा बचना नामुमकिन है, इसलिए उस फैमिली को बचाने का सपना छोड़ दे और खुद बच के निकल जा। उन्हें बचाने के लिए मेरी जान भी चली गई तो परवाह नहीं, लेकिन उससे पहले तुम सबका सफाया करना जरूरी है। ए तुप सिंह, माँ का दूध पिया तो आजा। फाइटर किसी पर पीछे से वार नहीं करता, फ्रंट से करता है। साला, डायलॉग तो जैसे माँ की कोक से सीख के आया था। अरे माँ जी, गलती हो गई। कृष, हाँ भैया। सलीम को तो हम बाद में मारेंगे, मगर ये मैडमैन है कौन? संध्या की फैमिली का खानदानी दुश्मन है, नाम है तोप सिंह। गौर से लिसन करो, तुम यहां आकर मुन्ना बन गए हो, दोबारा सलीम मत बनो। जगिया, ये तू क्या कह रहा है? माँ, बी साइलेंट सर, मी स्पीकिंग। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कभी दूसरों से किया प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा, मगर मदर श्री सलीम को भी मैंने टंग दी थी, उसे कैसे ब्रेक करूं? क्रिश, ट्राई करोगे तो तुम्हें हजारों लड़कियां इजीली गेटिंग, मगर सलीम ने वन एंड ओनली वन लड़की से वन ही टाइम मोहब्बत की है। संध्या के नेवर पर भी इसने उसके दिल में प्यार की कैंडल जलाई है। भाई, ये डॉनगिरी छोड़ के आप फिल्मों में डायलॉग क्यों नहीं लिखते? बहुत कमाई होगी। सॉरी माजी। रामप्रसाद जी, आपकी बेटी को मिस्टेक का रिटेक सलीम ने करवाया है, मुझे भी सच्चा प्यार सिखाया। पहले तो सिर्फ मेरे पास माँ थी, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक ज्वाइंट फैमिली का स्पेयर पार्ट हूँ। संध्या, इवनिंग इज योर्स। मैं तो करेक्ट इंग्लिश बोल गया टीचर। सलीम, मुझे इनके हाल पे बहुत तरस आ रहा है, मैं सच बता देती हूँ। राज,
टीचर मुझे तुम्हें आज एक नया वर्ड सिखाना है। यार अगर नहीं सीख पाया तो टीचर मुझे सबके सामने मुर्गा तो नहीं बना देगी। यस टीचर। पर इस बार जल्दी सीख लेना। जी टीचर। आई लव यू। वंस पीकॉक। आई लव यू। वंस मोर। अरे कहाँ जा रहे हो? स्टॉप स्टॉप। इस घर के होने वाले जमाई से मुझे एक क्लेरिफिकेशन चाहिए। कैसा क्लेरिफिकेशन? ये कि तुम संध्या के इंडोर और आउटडोर खर्चे को कैसे मैनेज करोगे। सुबह स्टेशन पर जूते पॉलिश करूंगा, शाम को नुक्कड़ पर केले का ठेला लगाऊंगा।